लोगों ने तालिबान को भी धोखा दिया सर। तालिबान का जो एम्बेसडर था सर 9/11 के बाद सर उसको उठा लिया और उसको अमेरिकन को सौंप दिया, मुल्ला ब्रदर को, सफीर की बेटी को मारा पीटा उसके साथ ना। इवन द चाइनीज डोंट ट्रस्ट द पाकिस्तानी, तो शायद ब्लास्ट था क्योंकि चाइनीज कहने लगे ब्लास्ट है। चाइनीज ने साफ सीधी एक बात बता दी है कि वी आर सेंडिंग अ टीम ऑफ 15 पीपल, हम अपने एक्सपर्ट्स भेज रहे हैं, तुम्हें हम ट्रस्ट नहीं करते। इस शख्स के सवाल के जवाब देने से पहले मैं इस शख्स का तारुफ करवा देता हूँ कि इसका पूरा नाम मेजर गौरव आर्या है। इंडिया में ये बहुत मशहूर है पाकिस्तान मुखालिफ बयान देने की वजह से, और इसे इसीलिए पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा मशीन भी कहा जाता है। मेजर गौरव बॉलीवुड से बड़ा इंस्पायर्ड है, इसीलिए इसने 1993 में पाकिस्तान मुखालिफ इंडियन मूवीज देखकर इंडियन आर्मी को ज्वाइन किया था। मगर जब 1999 में इसे कारगिल महाज पर मुजाहिदीन के खिलाफ इंडियन आर्मी की जानब से लड़ने के लिए भेजा जाने लगा तो ये अपनी राइफल वहीं पर गिराकर इंडियन आर्मी से फरार हो गया। तो ये इस बंदे की कुल दास्तान है बहादुरी की। अब आते हैं इसके सवालात की जानब के दुनिया पाकिस्तान को ट्रस्ट नहीं करती, और इसने एक हवाला दिया चीन का कि दासू डैम की साइड पर जो अभी चीनी इंजीनियर्स की हलाकतें हुई हैं तो चीन पाकिस्तान की इन्वेस्टिगेशन पर भरोसा करने की बजाय अपनी इन्वेस्टिगेशन टीम पाकिस्तान भेज रहा है। तो मेरा मेजर गौरव से सवाल है कि जब चंद साल पहले इंडिया में इसराइली कॉन्सुलेट ऑफिस के बाहर एक धमाका हुआ था तो तब इसराइल ने अपनी इंटेलिजेंस सर्विस मोसाद को क्यों तफ्तीश के लिए इंडिया में भेजा था? क्या इसराइल को अपने दोस्त इंडिया पर भरोसा नहीं था उसकी तहकीकात पर? जवाब यह है कि जब दो मुल्कों के दरमियान करीबी ताल्लुक होता है तो वहां पर इस तरह का कोऑर्डिनेशन होता रहता है। मेजर गौरव ने पाकिस्तान पर यह इल्जाम लगाया कि पाकिस्तान ने तो 9/11 के मौका पर तालिबान को भी धोखा दिया था इनका सफीर अमेरिका के हवाले करके। जब 9/11 पर ट्विन टावर गिराए गए अमेरिका में तो 20,000 लोग के करीब उस वक्त मारे जा चुके थे, और पूरी दुनिया का जो सेंटीमेंट था उस वक्त, जज्बात थे, वो दहशत गर्दी के खिलाफ थे, और पाकिस्तान ने भी वही किया जो पूरी दुनिया ने किया। यूएस के मुतालबे पर पाकिस्तान ने मुल्ला ब्रदर को उनके हवाले किया, मगर चंद साल बाद पाकिस्तान की ख्वाहिश पर ही यूएस ने मुल्ला ब्रदर को उनकी कैद से रिहाई दी। कतर में जो यूएस और तालिबान के डायलॉग हुए हैं अभी, उसका हेड भी पाकिस्तान की ख्वाहिश पर तालिबान ने मुल्ला ब्रदर को ही बनाया था। तो ये पूरा सच है, ये आपकी बॉलीवुड फिल्म का क्लाइमेक्स नहीं है जो 3 घंटे में पूरा हो जाता है, ये रियल लाइफ है जहाँ पर रियल क्लाइमेक्स आते आते कई साल लग जाते हैं। मेजर गौरव ने इल्ज़ाम लगाया कि अफगान सफीर की जो बेटी है इसको ISI ने अगवा किया और तशद्दुद किया। अगर ये सच है तो मेजर गौरव सबूत दे, वरना पाकिस्तान पूरी दुनिया के सामने इस अगवा की साजिश का भांडा फोड़ने जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के पास इस लड़की कि तमाम जो 5 घंटे की मूवमेंट थी इस्लामाबाद और रावलपिंडी के अंदर और मोबाइल की जो लोकेशन थी वो उसका पूरा सच पाकिस्तान इस्लामाबाद के अंदर जितने भी सफारतखाने हैं उनको ये प्रोवाइड करने जा रहा है ताकि दुनिया को अफगानिस्तान और इंडिया की इस साजिश का भी पता चले। अब इंडिया और अफगानिस्तान ये तैयारी करे कि इस अगवा की साजिश का ड्रामा फ्लॉप होने के बाद ये दुनिया से मुँह कैसे छुपाएंगे।